आज आपल्या घरामध्ये इंटीरियर करण्याची मोठी हौस असते। यामध्ये अनेक जण आपली घराची शोभा वाढवण्याकरता झाडे, वेली, फर्निचर, सोफा, त्याचबरोबर एलईडी लाईट, ग्लास, आरसे यांचे इंटीरियर साकारत असतात। त्यामुळे ही गरज ओळखून आपले घर आणखीन भरून यावे या दृष्टिकोनातून बेळगाव शहरात पहिल्यांदाच आपल्याला हव्या त्या आकारात रंगात आरसे उपलब्ध होणार आहेत। येथील महात्मा फुले रोड शहापूर येथे काल ग्लास शोरूमचे उद्घाटन थाटात पार पडले। श्रीराम ग्लास या शोरूम मध्ये वेगवेगळ्या आकारामध्ये तसेच डिझाईन मध्ये आरशाच्या प्रतिकृती ठेवण्यात आल्या आहेत। या शोरूम मध्ये एलईडी मिरर, अँटीक मिरर, ग्लास पिलर, ग्लास ब्लॉक्स, ग्लास टेम्पल, ग्लास मुरल, बेंडिंग ग्लास, फ्यूजन ग्लास यासह अनेक व्हरायटी आर्ट्स आणि आर्किटेक्चर क्लासेस, त्याचबरोबर ग्लास इंटेरियर साठी वेगवेगळे आकर्षक असे आरसे खरेदी करता येणार आहेत। यावेळी श्रीराम ग्लास डिझाईन इंडस्ट्रीजचे मालक गंगाधर कुंभार यांनी या शोरूम बद्दल अधिक माहिती दिली आणि ग्राहकांना कशा प्रकारे चांगल्या किमतीत दर्जेदार आरसे आणि अँटीक आरसे खरेदी करता येतील याबद्दल माहिती। सबको नमस्कार। आज हमारे साथ में फ्लोर ग्लास सेंटर और कांच इंडस्ट्रीज जुड़े हुए हैं। ये सब बनाने के लिए उनका और श्रीराम इनोवेशन भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और इन तीनों का सपोर्ट लेके मैं चल रहा हूँ और सबका साथ सबका विकास ऐसा बोलते थे, तो आज मेरा भी विकास हो रहा है और ग्लास में हर एक चीज़ इधर देखने के लिए मिलेगा। और ग्लास में जो भी डिज़ाइनिंग होता है या डोमेस्टिक हो और रेसिडेंशियल या कमर्शियल, सभी कॉम्प्लेक्स हो या घर हो, हर एक चीज़ के लिए ग्लास इधर अवेलेबल होगा हर एक डिज़ाइन में। और हमारा एक स्लोगन है कि टू शूट योर आइडिया, डिज़ाइंस टू शूट योर आइडिया, जो आपके आपके आइडिया के हिसाब से हम वर्क करके आपको दे सकते हैं। इसको किस तरह आप ग्लास का, तो आने वाला टाइम पे तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी द ग्रीन मटेरियल। अभी आपको तो मालूम है पूरा वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के वजह से ये सब है ना। ग्लास का तो रिसाइकलेबल ग्रीन मटेरियल बोलता है उसको, मतलब रीयूजबल है एंड इट्स फुल्ली ऑर्गेनिक वॉट एवर यू से। सो अभी धीरे धीरे इसका अप्लीकेशन एरिया है ना, मतलब वी कांट इवन इमेजिन इतना जगह पे यूज़ होता है। एंड ग्लास का यूज है तो इतना बढ़ते जा रहा है अभी तो, लाइक वी रिक्वायर मोर पीपल, मोर काइंड ऑफ ये ट्रेड में पर्टिकुलरली। और इस तरफ का शोरूम देख के लोगों को भी एक आइडिया आ जाएगा किस तरफ का हम यूज़ कर सकते हैं। और ग्लास का ब्राइट तो फ्यूचर तो ब्राइट है एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू श्रीराम ग्लास इंडस्ट्रीज। ठीक है ना सर, बहुत बढ़िया शोरूम किया, आई थिंक यू पीपल आर ऑल्सो सीइंग। सबसे पहले मैं हमारे गंगाधर जी है श्रीराम ग्लास डिज़ाइन, उनको विश करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट लेके आए वो एक्चुअली, मतलब जो इंटीरियर रिलेटेड लोग हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट्स, उनको ये ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारे शोरूम्स हैं, प्लाईवुड के है, हार्डवेयर के है, बट ग्लास शोरूम नहीं था। तो हम लोग उनको बोलते रहते थे कि आप ऐसा कुछ लेके आए कि मतलब ग्लास इंडस्ट्रीज़ में आपका नाम होना चाहिए और बेलगाम में ऐसा एक शोरूम होना चाहिए कि मतलब सभी लोगों को जिसका यूज़ अच्छे तरह से होना चाहिए। तो उस हिसाब से उन्होंने ये शोरूम स्टार्ट किया और मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ कि उनका ऑल द बेस्ट। आनंद होते है कि आमचे मित्र गंगाधर यांनी आज इथं श्रीराम ग्लासचं एक शोरूमचं उद्घाटनासाठी आम्हाला बोलवलं होतं आणि खरोखर आज इथं येऊन बघितलं, व्हिजिट केलं, एक चांगल्या प्रकारचं शोरूम त्यांनी बनवलेलं आहे। आणि आर्किटेक्ट्स, इंजिनियर्स आणि जे हाऊसी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनमध्ये जे ज्यांना यायचं आहे त्यांनी खरोखर एकदा या शोरूमला भेट द्यावं आणि खरोखर तुम्हाला इथं जे तुम्हाला तुमचे जे स्वप्न असतात ते स्वप्न साकार करायचं असेल तर अवश्य ह्या शोरूमला भेट द्या की तुम्हाला नवीन नवीन काहीतरी डिझाईन जे आपण बाहेर कुठं बघतो ते बेळगावमध्ये जे नाही ते आज नवीन पद्धतीचं इथं काहीतरी आपल्याला बघायला मिळणार आहे। आणि श्रीराम ग्लास यांना भेट देऊन तुमचे जे स्वप्न आहे ते इथं तुमचं नक्की साकार होईल, त्यासाठी एकदा ह्या शोरूमला व्हिजिट करा। आपल्या गंगाधरना मी त्यांना ह्या त्यांच्या बिझनेससाठी त्यांना शुभेच्छा देतो, नमस्कार। त्यावेळी या कार्यक्रमाला फोर्ड ग्लास सेंटर चेन्नईचे साईराम, कांच इंडस्ट्रीज धारवाडचे महेंद्र दीपक, श्रीराम इनोव्हेशनचे सचिन हंगिरगेकर तसेच माजी जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश गोरल हे उपस्थित होते।